भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। हमारे देश में क्या चीज़ नहीं है? हमारे देश में हर एक बंदे का काम करने का तरीका सबसे अलग, हटके और अनोखा होता है। फिर भी हमारे देश की बुराई कई लोग करते हैं, पर इस रिपब्लिक डे हम जानेंगे अगर हमारा देश हिंदुस्तान अगर नहीं होता तो इस दुनिया का क्या हाल होता, और यही आज का हमारा क्वेश्चन। तो गाइस, ये वीडियो पूरे दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम जानेंगे अगर इंडिया नहीं होता तो इस दुनिया का क्या हाल होता, और सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके भी जाना। तो लेट्स बिगिन। तो अगर इंडिया नहीं होता तो यूके के पास आज इतना पैसा है तो आज उसका आधा पैसा भी नहीं होता, और हम कोहिनूर हीरे के बारे में कैसे भूल सकते हैं, वो भी हमारे देश से वो लेके गए थे, तो आज उनके पास कोहिनूर हीरा भी नहीं रहता। और अगर इंडिया नहीं रहता तो आज दुनिया में योगा और आयुर्वेद नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती, जिसकी यूज से आज लोग दुनिया में फिट और कम बीमार रहते हैं। और क्या आपको मालूम है, 19 सेंचुरी तक दुनिया में इंडिया वन एंड ओनली सोर्स डायमंड का था। तो अगर इंडिया नहीं होता तो 19 सेंचुरी तक इस दुनिया में डायमंड जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। जितना महंगा डायमंड आज है उससे क्या पता डायमंड दुगना या फिर तिगना महंगा होता। तो अगर इंडिया नहीं होता तो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी नहीं होते, क्योंकि आज़ादी से पहले ये सब देश भी हमारे देश के अंदर आते थे। और श्रीलंका भी, जो इंडिया के साउथ में आता है, तो वो भी एशिया से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता, और श्रीलंका आज उतना डेवलप नहीं रहता जितना आज है। और क्या आपको पता है, वेस्ट इंडीज़ और इंडोनेशिया, उनका नाम भी कुछ और होता, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था इनका नाम इंडिया की वजह से इस टाइप का नाम रखा गया। और आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि हमारे कंट्री ने बहुत सारे मैथमेटिशियन को जन्म दिया है, साथ ही आर्यभट्ट का जन्म भी इंडिया में हुआ था, जिसने जीरो की डिस्कवरी की। तो अगर आज इंडिया नहीं होता तो आर्यभट्ट भी जन्म नहीं लेते, और ना ही वो जीरो की डिस्कवरी करते। तो दुनिया में अगर जीरो नहीं होता तो मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस करते, क्योंकि जीरो के बिना मैथ्स अधूरा है। तो इंडिया सिर्फ जीरो की डिस्कवरी नहीं किया है, इंडिया मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ों का भी डिस्कवरी किया है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से ही हम बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ब्रिज सब बनाते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो दुनिया में बहुत सारे बिल्डिंग इतने वेल कंस्ट्रक्ट नहीं रहते। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि इंडिया में 1624 लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो अगर इंडिया नहीं होता तो दुनिया में 1624 लैंग्वेजेस कम होती, साथ ही दुनिया में बहुत सारे रिलीजन भी नहीं होते, जैसे कि हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख। और बहुत सारे खेल जैसे कि चेस, स्नूकर, ये सब का जन्म भी इंडिया में ही हुआ था। तो अगर इंडिया नहीं होता तो इतने सारे मज़ेदार गेम दुनिया में नहीं होते। और क्या आपको मसालेदार खाना पसंद है? तो अगर इंडिया नहीं रहता तो आप मसालेदार खाना नहीं खा पाते, क्योंकि स्पाइसेस का जन्म भी इंडिया में ही हुआ था। और एक टाइम पे दुनिया में राज करने वाले मुगल्स भी आज उतने महान नहीं होते, क्योंकि वो इंडिया की वजह से इतने महान बने थे। तो अगर इंडिया नहीं होती तो इतने महान नहीं बने रहते, और साथ ही अगर इंडिया नहीं होता तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन भी दुनिया में कम रहती। तो दुनिया के 7 वंडर्स में एक ताजमहल भी इस दुनिया में नहीं रहता। और इंडिया के जगदीश चंद्र बोस ने ही दुनिया को बताया था कि प्लांट में भी लाइफ होती है, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस चलती है। तो वो नहीं रहते तो आज दुनिया यही मानती रहती कि प्लांट में कोई लाइफ नहीं है। तो गाइस, इंडिया के ना होने से पीपल लाइक महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, लता मंगेशकर, शाहरुख खान और बहुत सारे एक्टर, सिंगर, क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन जैसे लोग को दुनिया मिस कर देती, और उनके काम को दुनिया कभी देख ही ना पाती। तो गाइस, ये तो कुछ बात हो गई अगर इंडिया नहीं होता तो क्या होता। तो कुछ हम इंडिया के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या आपको मालूम है, हमारा सिस्टम कितना ही खराब, हमारे घर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और पानी भले ही ना है, पर हमारी कंट्री के इसरो ने ही चांद में पानी ढूंढा था, और साथ ही हमारे इसरो ने एक दिन में 104 सेटेलाइट लॉन्च करके दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिन्हें बाकी बड़ी बड़ी कंट्री भी आज तक नहीं कर पाई है। और हमारे कंट्री में कोई भी खेल खेल नहीं होता, ये एक रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है, जिसे हर एक इंडियन महसूस करता है। और हमारे कंट्री में ही इस सब खेलों के मेजर और भगवान भी वास करते हैं। और हमारी कंट्री ही दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और हमारी कंट्री में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बहुत सारी अन्य लैंग्वेजेस बोली जाती है, और हर एक लैंग्वेज का अलग अंदाज होता है,
और हर एक लैंग्वेज की अलग मिठास होती है। और मीठे से याद आया, शुगर भी इंडिया में ही पहली बार कंज्यूम किया गया था और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भी इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुई थी जिसमें 60 से भी ज़्यादा लैंग्वेज की पढ़ाई की जाती थी। पर लोग आज इंडिया को एजुकेशन सिस्टम में बहुत पिछड़ा मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के CEO हमारे इंडियन ही तो हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत अन्य कंपनियां के भी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना भी ख़राब नहीं है और हमारे इंडिया की वजह से ही पाई की वैल्यू दुनिया को पता चल पाई और हमारे इंडिया की वजह से ही डेसिमल, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ की चीज़ें दुनिया को मिल पाई है। तो अगर इंडिया नहीं होता तो आज कुछ नहीं होता। और इंडिया में ही दुनिया की पहली सर्जरी की गई थी। तो अभी तक तो आपको मालूम चल ही गया होगा इंडिया क्यों महान है। तो अगर आप अभी हैरान नहीं हुए हैं तो ये सुनो, दुनिया की ह्यूमन कैलकुलेटर भी इंडिया के पास ही है, जिन्होंने इस फिगर को 28 सेकंड में सिर्फ कैलकुलेट कर दिया था। और ये कोई किस्सा नहीं, ये कहानी है। और दुनिया के बहुत सारे उद्योगपति भी हमारे कंट्री में ही रहते हैं और हमारी कंट्री दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और क्या आपको मालूम है, इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और दुनिया का सेकेंड सबसे रिचेस्ट एक्टर भी इंडिया में ही है। नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारी कंट्री में बॉलीवुड के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क भी हमारे कंट्री में ही है। और दुनिया में कई कंट्री तो ऐसी है जहाँ 1 GB डेटा खरीदने के लिए हमें हजारों रुपए देना पड़ता है, वही हम 100 MB पर सेकंड की स्पीड से आज नेट चला पाते हैं। और हमारी कंट्री में ही दुनिया का सबसे सस्ता नेटवर्क मिलता है। और आपने USB का यूज़ किया ही होगा। क्या आपको पता है, ये USB भी एक इंडियन ने ही इन्वेंट की थी। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है। और पता है ये किसकी याद में मनाया जाता है, हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की याद में। और दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे कंट्री में ही पाया जाता है। तो गाइस, हमारे कंट्री के लोगों को 2 वक्त का खाना मिले या ना मिले, उनके अंदर हमेशा एक संस्कार तो जरूर मिलेगा ही। हमारे कंट्री ने ही दुनिया को फ्लश करना सिखाया, साथ ही शैम्पू करना भी हमारे इंडिया ने ही दुनिया को सिखाया। और हमारे देश के किसी भी बंदे को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि हमारे देश में एक चाय बेचने वाला भी अपने मेहनत और लगन से इस देश का सबसे बड़ा लीडर बन सकता है। जहां दुनिया में कई लोग अपने देश को बिल्कुल प्यार नहीं करते, हमारे देश में हमारे देश को देश नहीं एक माँ समझा जाता है। और हमारे देश में मंगलयान जैसे मिशन तो हॉलीवुड मूवी से भी सस्ते होते हैं। और क्या आपको पता है, हमने मंगलयान सिर्फ एक ही अटैम्प्ट में पूरा किया था। हम अपने देश की कितनी ही बात कर लें वो कम पड़ेगा, पर हमें आज इस वीडियो का एंड अभी ही करना होगा। पर इसका part 2 15 अगस्त को मैं ज़रूर लाऊंगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और कोई भी अगर इंडिया के बारे में बुरा कहे तो इस वीडियो को ज़रूर दिखाना। सी यू अंटिल द